नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अग्रिताल में। यह वैकेंसी निकली है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन से। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2021। इसमें दो पोस्ट हैं। पहला पोस्ट है असिस्टेंट सॉयल कंजर्वेशन ऑफिसर और दूसरा पोस्ट है सॉयल कंजर्वेशन रेंजर का। सबसे पहले हम असिस्टेंट सॉयल कंजर्वेशन ऑफिसर, जो कि सॉयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से निकली है, उसका डिटेल देखेंगे। इसमें टोटल 13 वैकेंसी है। ओपन कैटेगरी में 6 वैकेंसी है। इसका स्केल पे है 30,000 से 1,10,000। ग्रेड पे है 12,700। पे बैंड है 4। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो एटलीस्ट अ बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और प्रेफरेंस पोस्ट ग्रेजुएट को दिया जाएगा, या AIFC फ्रॉम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉलेज देहरादून, या एटलीस्ट 8 ईयर एक्सपीरियंस एज सॉयल कंजर्वेशन रेंजर और फॉरेस्ट रेंजर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, या जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए सॉयल कंजर्वेशन जूनियर इंजीनियर विथ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट आसाम में। मिनिमम एज 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज 38 साल रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। SC ST के लिए 5 साल का छूट है, तो इनका एज 43 साल तक होना चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो इस प्रकार हैं। पेपर 1 में जनरल नॉलेज होगा, जिसमें 2 घंटा टाइम दिया जाएगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस ग्रेजुएट लेवल का होगा। पेपर 2 में जनरल इंग्लिश होगा, जिसके लिए टाइम 2 घंटा दिया जाएगा और मार्क्स 100 होंगे। यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगा और स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस ग्रेजुएट लेवल का होगा। पेपर 3 में ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, इसमें से एक सब्जेक्ट होंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिजिक्स, सॉयल साइंस, जूलॉजी। टाइम इसमें भी 2 घंटा दिया जाएगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 0.25 माइनस मार्किंग होगी। सिलेबस जो है वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। इसके बाद इसमें इंटरव्यू होगा। अगली पोस्ट है वो सॉयल कंजर्वेशन रेंजर, वो भी सॉयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से आ रही है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 हैं। इसका स्केल पे 22,000 से 97,000 है। ग्रेड पे 9,700। पे बैंड 3 है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इस प्रकार है। पेपर 1 में जनरल नॉलेज होगा, जिसमें 2 घंटा टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 जनरल इंग्लिश। पेपर 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिजिक्स, जूलॉजी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा। इन सभी के लिए 2 घंटे टाइम दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगा रॉन्ग आंसर के लिए। लास्ट डेट है 28/5/2021 अप्लाई करने के लिए।
एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए 285 रुपये 40 पैसे, एससी एसटी ओबीसी एमओबीसी कैटेगरी के लिए 185 रुपये 40 पैसे, बीपीएल के लिए 35 पैसे 40 पैसे, पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी के लिए 35 रुपये 40 पैसे। अप्लाई करने के लिए आप आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की वैकेंसी और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें। धन्यवाद।